हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स मींस एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा, वो होता है फ्लावर। हम पहले से जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। फ्लावर एक्चुअल में फ्लावर है क्या चीज? फ्लावर जो है बेटा वो है मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट एंड मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन। मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक बात है। फ्लावर का एक टिपिकल फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम पहले से जानते हैं। वैसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है बेटा, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। इसको हम थैलमस बोलते हैं, कौन थैलमस बोलते हैं। और ये है हमारा ये पूरा एंडोसियम, या इसको हम स्टेमेन बोलेंगे। स्टेमेन में ये है एंथर और ये है फिलामेंट, ये है फिलामेंट। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को मिला के हम गाइनोसियम बोलते हैं, गाइनोसियम। और ये है एंड्रोसियम। एंथर प्लस फिलामेंट क्या हो जाएगा? एंड्रोसियम, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये है फ्लावर, टिपिकल फ्लावर। इसके बाद हम पता है हमें कि यहाँ पे सेपल्स होते हैं, यहाँ पे पेटल्स हैं, ये पेटल्स हैं, या एक एलिक्स है और करोला है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फ्लावर के दो पार्ट हो गए मेन, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल पार्ट में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों आएंगे, नॉन इसेंशियल पार्ट में कैलिक्स और करोला आएगा, क्योंकि डायरेक्टली ये इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में। अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर तो फ्लावर में नॉन इसेंशियल non-essential part and essential part of the flower। non-essential में बेटा दो है, हमको पता है, एक होता है calyx और दूसरा होता है corolla। calyx के यूनिट को हम सेपल्स बोलते हैं, corolla के यूनिट को हम पेटल्स बोलते हैं। इसेंशियल पार्ट में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये दो पार्ट होते हैं। एंड्रोसियम के एक यूनिट को, एक फ्लावर में मोर देन वन स्टेमेन हो सकते हैं, और जितने भी स्टेमेन हैं, मतलब जितना भी मेन पार्ट है उसको हम एंड्रोसियम बोलेंगे। जितना अगर मोर देन वन कार्पेल है, कार्पेल मतलब आप जब आपको दिखाया था मैंने, स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है, उसको हम कार्पेल बोलते हैं। तो एक ही फ्लावर में मोर देन वन कार्पेल हो सकते हैं, तो उसको हम मल्टी कार्पेल कार्पेलरी बोलते हैं। अपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पहले से पढ़े हैं, तो हम यहाँ पे लिख दे चाहे तो कि एंड्रोसियम के एक यूनिट को हम बोलते हैं स्टैमेन, और गाइनोसियम के एक यूनिट को हम बोलते हैं कार्पेल और पिस्टिल, ठीक बात है, कार्पेल और पिस्टिल। तो ये तो हो गया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। पहले में स्टार्ट करते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम बट
छठा हमने जैसे बात किया कि एंड्रोसियम के एक यूनिट को हम स्टेमेन बोलते हैं, और एक्चुअल में स्टेमेन क्या है, स्टेमेन का दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोल सकते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। आप जानते हो माइक्रो वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए हम मेगा यूज करते हैं, तो माइक्रो स्पोरोफिल को हम स्टेमेन बोलते हैं, याद रखना इस बात को। अच्छा, इसके कितने पार्ट होते हैं मेनली माइक्रो स्पोरोफिल के, मेनली तीन पार्ट होते हैं हम जानते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट, फिलामेंट। इस एंथर के अंदर एक कुछ स्टेराइल टिश्यू होते हैं जिसको हम कनेक्टिव भी बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अब उसको देखने के लिए हमें इसके इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा एंथर का। तो एंथर जो होता है वो अगर बाहर से हम देखें, अगर एंथर को हम बाहर से देखें तो हमें कुछ इस तरह का नजर आएगा, ऐसा ऐसा। मतलब आपको क्या दिख रहा है, ये दो लोग दिख रहा है, दो लोग, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइथिकस एंथर, डाइथिकस एंथर। ये एंथर है, ये एंथर है, और ये है फिलामेंट। अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है, तो हमें ये दो लोब तो दिख रहे हैं, वन एंड टू, दो लोब दिख रहे हैं, दो लोब हैं, इसलिए इस एंथर को हम बोलते हैं बेटा डाई थिकस। और आप ध्यान से देखो इस दो लोब में 1, 2, 3 and 4 चार स्पोरेंजियम है, इसलिए इसको हम टेट्रा स्पोरेंजिएट भी बोलते हैं, डाइथिकस और टेट्रा स्पोरेंजिएट। और यहाँ पे देख इन दोनों को, इस लोब को और इस लोब को जोड़ने वाले जो टिश्यू है इसको हम बोलते हैं बेटा कनेक्टिव्स। ये कनेक्टिव जो होते हैं वो स्टेराइल टिश्यू होते हैं, स्टेराइल टिश्यू कनेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हम जो एक कुछ अलग टाइप का टिश्यू देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर स्ट्रैंड, वैस्कुलर स्ट्रैंड है, चार स्पोरेंजियम है इसके अंदर, चार स्पोरेंजियम, इसको स्पोरेंजियम हम बार बार क्यों बोल रहे हैं बेटा, ये है स्पोरेंजियम, इसी में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किए जाएंगे, मियोसिस इसी में होगी, हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, और वो फोर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम पॉलन सैक बोलते हैं, भी बोल सकते हैं पॉलन सैक, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन बनाए जाते हैं, तो पॉलन सैक। स्पोरेंजियम इसलिए क्योंकि स्पोर्स के माइक्रोस्पोर्स क्या है, पॉलन ग्रेन है, और माइक्रोस्पोर्स डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बनाते हैं, तो इसको हम स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। और ये है चार, और टेट्रा स्पोरेंजिएट हो गया, टेट्रा स्पोरेंजिएट और डाइथिकस। अच्छा, ये जो है आप जानते हो ये क्या है, फिलामेंट है, ये फिलामेंट। अच्छा, इसमें बेटा यहां पर और यहां पर कुछ लूज टिश्यू मतलब कि सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, और यहीं से पॉलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद यहीं से ये फूट के बाहर डिस्पर्स होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस,
लाइन ऑफ डेहिसेंस यहाँ पे बोलते हैं, ये कैसे बनता है अभी हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं इसको। डाइथिकस एंथर में टेट्रास्पोरेंजिया, डाइथिकस को हम टेट्रास्पोरेंजिया बोलते हैं। अगर मोनोथिकस है, मोनोथिकस तो वो क्या होगा, बाइस्पोरेंजिएट होगा, मतलब अगर एक ही लोब होगा तो उसमें दो स्पोरेंजियम होंगे। अच्छा ऐसा होता तो नहीं लेकिन बहुत कम होता है, रेयरली होता है बट होता है। वोल्फिया एक प्लांट है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट आप लोग जानते होंगे वोल्फिया। एग्जांपल मैं लिख देता हूं, वोल्फिया एक प्लांट है जिसमें क्या होता है बेटा, एंथर हैज ओनली वन माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब इनमें से चार में से केवल एक होता है इसमें, वोल्फिया के केस में स्पोरेंजियम। एंथर हैज ओनली वन माइक्रोस्पोरेंजियम इन केस ऑफ वोल्फिया, और बहुत कम पाया जाता है ऐसा, ठीक बात है। अच्छा अब इसके आगे अब हम देखते हैं ये इसका इंटरनली एक्चुअल में स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम बनता कैसे है। तो अगर हम किसी उसमें हमने चार स्पोरेंजियम बनाया था ना, अब किसी एक स्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, ये है स्पोरेंजियम, ठीक बात है। इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है बेटा वो है एपिडर्मिस, ये है एपिडर्मिस, ठीक बात है। एपिडर्मिस के अंदर ये है बेटा, एपिडर्मिस के अंदर ये कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स, आर्किस्पोरियल सेल्स। ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं ये जो इनका नेचर क्या है, ये है होमोजीनस पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, होमोजीनस पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, ठीक बात है। अब इस आर्किस्पोरियल सेल्स जो इसके इसके अंदर है, स्पोरेंजियम के अंदर है, इसमें होता है बेटा माइटोसिस, और वो उस माइटोसिस को हम बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन इन किसमें होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन किसमें होगा, इन आर्किस्पोरियल सेल्स, एक्चुअल में ये माइटोसिस है। तो यहां पे मैं लिखता हूं पेरिक्लिनल डिवीजन, और पेरिक्लिनल जब डिवीजन इसमें होगा तो दो तरह के लेयर्स बनेंगे इसमें, यहां पर ये हमने बनाया था एपिडर्मिस, बिल्कुल ठीक बात है, ये एपिडर्मिस है, बाहर बाहर एपिडर्मिस है, इसके अंदर जो आर्किस्पोरियल सेल्स थे इनमें डिवीजन हुआ पेरिक्लिनल डिवीजन, और कुछ बड़े बड़े सेल्स किनारे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे साइड में आ रहे हैं। तो यहां पे हम इसको लिख दें, ये आउटर जो है जो बनाया है, इस लेयर को हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी पैराइटल लेयर, प्राइमरी पैराइटल, प्राइमरी पैराइटल लेयर, बिल्कुल ठीक बात है। और जो इनर मोस्ट लेयर को क्या बोले, अंदर जो भी सारे सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं बेटा स्पोरो जीनस सेल्स ऑब्लिक टिश्यू, स्पोरो जीनस टिश्यू। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया, अभी तक हमने क्या बताया, स्पोरेंजियम के बाहर क्या है एपिडर्मिस, अंदर क्या है आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, ठीक बात है। दो लेयर बन गई अंदर, एक आउटर जो लेयर बनी उसको हम प्राइमरी पैराइटल लेयर बोलते हैं, और अंदर जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये आप तो आपको तो पता है कि इन सभी की प्लॉयडी लेवल क्या होगी, डिप्लॉयड, सारे के सारे डिप्लॉयड हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं बताया जो आपको याद ना हो सके, तो बहुत आसान है। ओके अब इसको हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी पैराइटल लेयर जो है बेटा इसमें
बार 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 डिवीजन होगा, प्राइमरी पैराइटल लेयर में बार बार डिवीजन होगा ड्यू टू पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन इन प्राइमरी पैराइटल लेयर फॉर्म। यहां पर हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक बात है, फॉर्म पॉलन सैक वॉल। पॉलन सैक वॉल मतलब, पॉलन सैक मतलब स्पोरेंजियम की वॉल। अब उसमें चार लेयर होती है। अब हम देखते हैं वन बाय वन की कौन कौन सी लेयर होती है। आपने यहां पे तो देखा था अभी देखा था कि ये जो था क्या, अब सबसे पहली लेयर क्या है, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर है, वन लेयर है, ये क्या है, वन लेयर है। इसका काम क्या है, इसका काम है बेटा प्रोटेक्शन, इसका काम है प्रोटेक्शन। किसमें डिवीजन होता है, प्राइमरी पैराइटल लेयर में डिवीजन हुआ है, पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन। तो अभी जो दूसरा लेयर बना यहां पर, दूसरी लेयर जो बनी बेटा ये यहां पर, हम आपको सीधी लाइन में दिखा रहे हैं बट एक्चुअल में तो ये सेलुलर लेयर है, ये सेलुलर लेयर है ऐसा, ठीक बात, सेलुलर लेयर है। इसको हम बोल रहे हैं बेटा सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर को हम बोल रहे हैं इंडोथीसियम, इंडोथीसियम। इंडोथीसियम बेटा इसकी प्रॉपर्टी हम लिखे हैं अगर, तो ये भी वन लेयर थिक होती है, वन लेयर थिक है ना, पोसेस फाइब्रस थिकनिंग। इसमें जो होती है बेटा फाइब्रस, फाइब्रस थिकनिंग मतलब इसके सेल वॉल में बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर फाइबर्स हैं तो ये भी क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्शन, ठीक बात है। और इसके सेल वॉल में क्या क्या होती है, मोर सेलुलोज, मोर सेलुलोज, और क्या होती है, पैक्टिन, और क्या होती है, कैलोज, मोर सेलुलोज पैक्टिन एंड कैलोज पाई जाती है इसके सेल वॉल में, तो प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए प्रोटेक्ट करता है ये। अच्छा, कहीं कहीं पे इन सम प्लेसेस, इन सम प्लेसेस इसकी जो थिकनिंग है, मतलब ये कैलोज पेक्टिन एंड फाइब्रस जो थिकनिंग है वो नहीं होगी, बल्कि तो ये लेयर बहुत थिन हो जाएगी, है ना, कहीं कहीं पे बहुत ही थिन होगी ये। तो यहां पे लिखते हैं इन सम प्लेसेस, इन सम प्लेसेस इंडोथीसियम क्या होती है, थिन, इंडोथीसियम है, ऐसे लिखते हैं इंडोथीसियम है थिन सेल वॉल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेटा स्टोमियम, स्टोमियम। और यही स्टोमियम लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है, मतलब समझो जरा इसको, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसमें पोलन ग्रेन बनाए जाएंगे आफ्टर मियोसिस, पोलन ग्रेन इसमें बनेंगे स्पोरेंजियम में, तो ये इसी में रहने तो नहीं चाहिए, इनको तो बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलने के लिए कोई तो रास्ता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वो रास्ता कहां से होगा, जब ये डिस्पर्स करेगा टूटेगा तभी तो बाहर निकलेंगे। और ऐसा नहीं कि सब जगह यहाँ पे कहीं से भी डेहिस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो प्लेस है यहाँ पे और यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, यहीं पे टूट सकता है। और टूटेगा तब जब यहाँ के सेल्स के सेल वॉल थिन होगी, और वो है इंडोथीसियम, इंडोथीसियम यहाँ पे और यहाँ पे जो है उनकी सेल वॉल बहुत ही थिन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम, स्टोमियम, ठीक बात है।
ये क्या है स्ट्रोमियम को और क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ डेहिसेंस, यही है लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो दो लेयर के बारे में आपको पता लग गया, एंडोथीसियम और एपिडर्मिस, ठीक बात है। थर्ड लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं बेटा मिडिल लेयर, थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर, थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर, इसमें ऐसे थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर बेटा इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर लिखता हूं मैं थर्ड लेयर मिडिल लेयर। पहली बात ये होगा 1 2 3 लेयर थिक, ये जो मिडिल लेयर है ये 1 2 3 लेयर थिक होगा, मिडिल लेयर, ठीक है। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा बेटा इसका भी प्रोटेक्टिव, ठीक है। दूसरा काम और क्या होगा, डीजेनरेट टू नरिश डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब कि माइक्रोस्पोर सेल जैसा बिहेव करेंगे यही स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा बेटा, मियोसिस होगी और यही प्रोड्यूस करने वाले हैं पॉलन ग्रेन। तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू का जो डेवलपमेंट चल रहा है उसमें ये हेल्प कर रहा है कौन, मिडिल लेयर। इनका भी काम नरिशमेंट है, नरिश टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये बात समझ आ गई। अब लास्ट लेयर जो होती है बेटा इसको मैं इरेज कर देता हूं, लास्ट लेयर जो होती है फोर्थ लेयर, इनर मोस्ट लेयर इज फोर्थ लेयर, टैपेटम। तो टैपेटम हम जानते हैं कि ये एक स्पोरेंजियम है बेटा, ये एक स्पोरेंजियम, हमने बताया था टेट्रा स्पोरेंजियट होते हैं। तो यहां पर ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा क्या, टैपेटम, ठीक बात है। टैपेटम क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट। देख लो, याद रखना है, नीट का क्वेश्चन बन सकता है ये। टैपेटम जो है बेटा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक बात है। या ये पॉलीप्लॉयडी भी शो कर सकता है, पॉलीप्लॉयडी मतलब कि आप हैप्लॉयड भी जानते हो, डिप्लॉयड भी जानते हो, मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, ये क्या है, पॉलीप्लॉयड। तो ये हो सकता है, और फीचर इसके याद रखने हैं अच्छी तरह से, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसमें, न्यूट्रिटिव होगा, बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रिटिव होगा। अच्छा, इसमें दो लेयर पाई जाती है बेटा, टैपेटम में जो है दो लेयर, क्या दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। टैपेटम की जो लेयर देख रहे हो आप, इसमें दो तरह के सेल्स हैं, एक तो सेल्स है बेटा अमीबॉयड सेल्स। ये जो अमीबॉयड सेल्स हैं इनका काम जो है नरिशमेंट इनका काम है। दूसरे तरह के जो सेल्स पाए जाते हैं वो है सेक्रेटरी, और इसी को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर, सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर। अब आप जानते हो कि ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी हम किसको बोलते हैं, जो कुछ तो कुछ सेक्रेट करे। तो ये तीन चार चीजें जो सेक्रेट करता है उसको हमें याद रखना है। पहली बात कि ये मैं यहां पे लिखता हूं, एक तो IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन
नेचुरल ऑक्सिन ये सीक्रेट करता है। दूसरा चीज क्या सीक्रेट करता है बेटा, ये टैपेटम कैलेज, कैलेज देख लो कैलेज, इसका काम अभी हम आगे देखने वाले हैं कि कैलेज का काम क्या होता है। कैलेज सीक्रेट करता है और ये स्पोरो पोलेनिन सीक्रेट करता है, स्पोरो पोलेनिन का फंक्शन अभी देखने वाले हैं। उसके बाद पोलन किट भी सीक्रेट करता है, पोलन किट एक्चुअल में येलोइश विसिड यानी स्टिकी सब्सटेंस होता है जो पोलन ग्रेन के चारों तरफ पाया जाता है। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स में ये सीक्रेट ज्यादा किया जाता है। स्पोरोपोलेनिन ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो पोलन ग्रेन के चारों तरफ पाया जाता है, जो पोलन ग्रेन को बहुत लंबे टाइम तक हजारों हजारों सालों तक उसको प्रिजर्व करके ये रख सकता है, सेफ रख सकता है, पोलन ग्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। स्पोरोपोलेनिन पोलन किट मैंने आपको बता दिया। कैलेज कैलोज को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम है जो उसको डिसॉल्व कर देगा। IAA इंडोल एसिटिक एसिड जो नेचुरल क्या है ये प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, ठीक बात है। अब हमने चार लेयर देखा। अगर हम आपसे पूछें कि पोलन सैक में कितनी लेयर्स होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 4 लेयर। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर एंड फोर्थ टैपेटम। तो ये 4 लेयर है। इसके अंदर बेटा आप बता सकते हो कि क्या है इसके अंदर, आपको पहले से पता है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू इसके अंदर है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोसिस होगी और वो प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन्स। हमारा अगला टॉपिक है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। हमें पता है हमारे पास थे स्पोरोजिनस टिश्यू का जो प्लॉयडी लेवल है वो आपको पहले से पता है, क्या है डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड है। इसमें फर्दर माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी और ये बहुत सारे दूसरे स्पोरोजिनस टिश्यू या सेल्स प्रोड्यूस करेगा। ये जो है सारे ये भी क्या है स्पोरोजिनस सेल्स और टिश्यू ये है। अब बेटा इसमें क्या होगा आप जानते हो, मियोसिस, मियोसिस मियोसिस और ये प्रोड्यूस करेंगे 4 हैप्लॉयड सेल्स, 4 हैप्लॉयड सेल्स। तो ये मोस्ट ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू बिहेव लाइक, मोस्ट ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू याद रखो, मोस्ट ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू बिहेव लाइक माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि मियोसिस हो रही है तो ये मदर सेल है, तो इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं यहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक बात है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और 4 हैप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस किए गए यहां पे हमने लिया। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, यही है क्या जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये है माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स ये माइक्रोस्पोर्स है। आप यहां पे एक चीज देख रहे हो, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स, 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स आर बाउंडेड बाय अ सब्सटेंस कॉल्ड कैलोज, जिसको हम कैलोज बोलेंगे, कैलोज। और आपको पता है आपको आपने देखा था कभी कि टैपेटम जो है कैलेज एंजाइम सीक्रेट करता है और वो कैलेज एंजाइम क्या करेगा इस कैलोज को डिसॉल्व कर देगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं कैलेज, और कैलेज कैलोज को डिसॉल्व कर दिया तो ये जो 4 हैप्लॉयड सेल्स थे ये फ्री हो गए, इनको हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर्स और इसी में डेवलपमेंट होगा बेटा, डेवलपमेंट होगा और ये प्रोड्यूस करेंगे पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स है।
पॉलन ग्रेन्स। ठीक बात। ये जो माइक्रोस्पोर्स जो चार हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स, इनका अरेंजमेंट कुछ अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से होता है। तो जो मोस्ट कॉमन है वो है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए एक सेल यहाँ पे है और एक सेल यहाँ पे है और एक सेल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ये है बेटा मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। आइसोबाइलेटरल में क्या होता है, इनका अरेंजमेंट है आफ्टर मियोसिस अरेंजमेंट है और कुछ नहीं। एक होता है आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल में चारों हमें ऐसे दिखाई देंगे, इनके चारों तरफ कैलोज होगा। लीनियर में हमें क्या दिखाई देगा, एक सीधी लाइन में है, ये लीनियर हो गया। टी शेप में क्या दिखाई देगा, टी शेप में एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और ऐसे टी के जैसा, तो टी शेप। लेकिन मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म में ये होता है टेट्राहेड्रल, मोस्ट कॉमन है। अच्छा, कुछ में ऐसा होता है, कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि ये पॉलन ग्रेन, जब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं पॉलन ग्रेन बनने के बाद भी वो साथ में आपस में अटैच होते हैं किसी किसी प्लांट में। जैसे कि हम बात करें तो कैलोट्रोपिस में ऐसा होता है जिसको कि हम पॉलिनिया बोलते हैं, पॉलिनिया उसको बोलते हैं। और पॉलिनिया जो होता है बेटा वो जैसे मान लो ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है और इससे अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर, इसको ट्रांसलेटर बोलेंगे। और ये जो है पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है, इस स्ट्रक्चर को, पूरे स्ट्रक्चर को हम पॉलिनिया बोलते हैं, पॉलिनिया। और ये पाया जाता है कैलोट्रोपिस प्लांट। तो ये तो हमारा हो गया बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स वो हमें देखना अभी है। तो हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स, कैसे पॉलन ग्रेन बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो अभी हमारे पास जो मिला था माइक्रोस्पोर, उसमें क्या था बेटा, ये बाहर बाहर एक सेल थी, सेल वॉल है इसमें और एक न्यूक्लियस है, हमें ये पता है। एक बार ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है और ये है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर बाहर सेल वॉल है, इसको हम सेल वॉल बोले। और ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक बात है। ये माइक्रोस्पोर्स है। अब इसमें क्या होगा बेटा, जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरू होगा इस माइक्रोस्पोर के अंदर, इस माइक्रोस्पोर के अंदर वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये तो न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। वैक्यूल की फॉर्मेशन होने के बाद इसमें क्या होगा बेटा, माइटोसिस हो जाएगी, माइटोसिस। ये सेल वॉल है, पता है ये सेल वॉल है, माइटोसिस हो जाएगी। माइटोसिस के बाद ये सेल वॉल था और ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक बात है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो है ऐसे एक लेयर डेवलप हो जाएगी और यहां पे कुछ और थिक लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं आउटर लेयर को एक्साइम और इनर लेयर को हम बोलते हैं इनटाइम। आप बता सकते हो एक्साइम एंड इनटाइम सेक्रेट कौन करता है, टैपेटम। हमने उसके फंक्शन में बताया था एक्साइम और इनटाइम के, टैपेटम के, कि इन दोनों का सेक्रेशन, वो ग्लैंडुलर है मतलब सेक्रेटरी इन नेचर है, इसलिए जितना भी ये मटेरियल्स हैं वो सारा का सारा टैपेटम ही सेक्रेट करता है। अच्छा, एक्साइल में होगा बेटा स्पोरोपोलेनी,
स्पोरोपोलेनी, ठीक बात है। और कहीं कहीं आप देख रहे हो कि एग्जाइम यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, इसको हम बोलते हैं बेटा जर्म पो, मतलब पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन यहाँ से हो सकती है या यहाँ से हो सकती है या यहाँ से हो सकती है। ये यहाँ पे मैंने तीन जर्म पोर दिखाए हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइपोरेट। यूनिपोरेट भी हो सकता है, बाइपोरेट भी हो सकता है, ट्राइपोरेट भी हो सकता है। यहाँ पे हमने तीन जर्म पोर दिखाए हैं, मतलब ये ट्राइपोरेट है, ठीक बात है। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे माइटोसिस लिखा था, मियोसिस का प्रोडक्ट तो ये था माइटोसिस। तो माइटोसिस के ऐसा होता है बेटा कि माइटोसिस में ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ गया और यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ गया, ठीक बात है। सेल अलग नहीं होगी, मतलब दोनों इसके बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक सेल वॉल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। ये बात समझ में आ रही है, बीच में सेल वॉल की फॉर्मेशन हुई है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद फिर क्या होगा बेटा, हम इसको एग्जाइम और इन टाइम को नहीं बना रहे हैं दिखाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक पोलन ग्रेन बनाया, इसमें हमने ये वैक्यूल बना दिया, वैक्यूल बना दिया, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस था इसके चारों तरफ बेटा यहाँ पे ऐसे मेम्ब्रेन बन गई, सेल वॉल की फॉर्मेशन ऐसा हो गया। तो एक एक सेल के अंदर एक दूसरा सेल फ्लोट कर रहा है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यही पाओगे, एक सेल के अंदर दूसरा सेल फ्लोट कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा, इस बड़े वाले सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और इसको बोलते हैं हम बेटा जेनरेटिव सेल। तो अब देखो बेटा, टू सेल स्टेज हो गया पोलन ग्रेन, टू सेल स्टेज हो गया पोलन ग्रेन, और यहां पे हम चाहें तो हम एग्जाइन ऐसे बना सकते हैं, यह एग्जाइन, एग्जाइन, और यह है इंटाइन। टू सेल स्टेज है ये, एक बड़ा वाला सेल और एक छोटा वाला सेल। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, मोस्ट मतलब 60 मोर देन 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज्ड फ्रॉम एंटर। 40% में क्या होता है, इसमें जेनरेटिव सेल्स में फिर से एक कैरियोकाइनेसिस हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस मतलब केवल किसका डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, दो मेल गैमेट हो जाते हैं, तब जाके तो वो एंथर से रिलीज होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में टू सेल स्टेज में ही ये रिलीज हो जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा, अच्छा आफ्टर दैट पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा कार्ड पोलिनेशन। उसके बाद क्या होगा, पोलन ट्यूब बनेगी, मेल गैमेट्स, दोनों मेल गैमेट्स। अच्छा, अगर मान लो कि दो सेल स्टेज में अगर ये रिलीज हो जाता है, तो आफ्टर पोलिनेशन ये जब पोलन ट्यूब बनता है उसी टाइम पर ये न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बना देगा। कौन, जेनरेटिव सेल्स। मतलब ये हुआ साफ साफ कि बिफोर फर्टिलाइजेशन दो मेल गैमेट तो बनेगा ही बनेगा और एक वेजिटेटिव सेल होगी। पोलन ट्यूब की जो फॉर्मेशन होती है बेटा वो वेजिटेटिव सेल करती है, जेनरेटिव सेल्स नहीं। जेनरेटिव सेल्स का न्यूक्लियस बस पोलन ट्यूब में रहता है जो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। थैंक यू।